हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइफ। तो गाइस, आज हम वर्ड की अगले चैप्टर की ओर चलेंगे और अगले चैप्टर में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं पैराग्राफ, जो कि होम टाइप का एक ग्रुप है। होम टाइप का एक ग्रुप है और ग्रुप का नाम है पैराग्राफ। तो गाइस, चलिए हम सबसे पहले अपने वर्ड को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने वर्ड की स्क्रीन खुल गई है। अब इसमें आप लोग को होम टैब में, होम टैब ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और ये पूरे को मैंने बताया था, ये पूरे को रिबन बोलते हैं, ठीक है। तो और ये है पैराग्राफ ग्रुप, जिसे आज हम लोग समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, ठीक है। और नया पेज लेने के बाद हम इसे पेज को अरेंज करते हैं। सबसे पहला काम पेज को अरेंज करना, लाइक इसे नैरो लेआउट में करना है। इसमें जाने के बाद मार्जिंग इसका हम नैरो रख लेंगे, ठीक है। तो ये सेट हो गया नैरो में, मीन्स इसका जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिंग्स है वो 0.5 में लग गया है। राइट लेफ्ट टॉप बॉटम जितने चारों तरफ का जो है मार्जिंग्स वो 0.5 सेट हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम होम टैब में पैराग्राफ में जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को नीचे की ओर दिख रहा होगा, ये है आपका अलाइनमेंट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये है सेंटर अलाइनमेंट और ये है राइट अलाइनमेंट। तो ये तीनों का काम अभी हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे, ये तीनों का काम क्या है। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के लिए हमें ज़्यादा देर नहीं करना है, इसलिए हम फंक्शन का यूज कर लेंगे रेंड का। और हमें तीन पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ पे तीन लिखेंगे। कितने लाइन का पैराग्राफ चाहिए तो हमें तीन लाइन का पैराग्राफ चाहिए। और उसके बाद हम इसको कोष्ठक बंद करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक पैराग्राफ यहाँ पे है, एक पैराग्राफ ये रहा, दूसरा पैराग्राफ तीन लाइन का ये रहा और तीसरा लाइन का तीन लाइन का पैराग्राफ ये रहा। तो गैस, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड इक्वल है डेटा, आपको ये इधर की ओर जो डेटा दिख रहा है वो इक्वल है। और वही एक राइट साइड देखें तो राइट साइड इक्वल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डाटा राइट साइड से हो तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं राइट अलाइनमेंट का। जैसे कि आप देखें, अब इसका डाटा देखिए एक समान राइट की ओर है, हालांकि वो डॉट के कारण ऐसा कुछ देखने को आप लोगों को मिलता होगा, लेकिन वो डाटा इक्वल है, ठीक है। अब सेंट्रल अलाइनमेंट का जस्ट इसके बीच में कर देगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा सेंटर में करना है, तो आप सेंट्रल अलाइनमेंट कर लीजिए, आपका डाटा जो हो जाएगा वो सेंटर में हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अभी हम इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा और, आपको ये जो दिख रहा होगा, आप लोग को ये डाटा दिखा होगा जो कि है जस्टिफाई आपको दिखा होगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक स्पेशल क्या करते हैं, रन चलाते हैं, ठीक है। और क्लोज एक पैराग्राफ लेते हैं, वो भी कितने लाइन का, 10 लाइन का, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये 10 लाइन का पैराग्राफ आ गया है, एक पैराग्राफ। अब हम इसको जो है जस्टिफाई का जस्ट काम क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के डेटा को समान रूप में कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसे लगाने वाला हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो है डेटा समान रूप से। ऐसा कैसे हुआ, तो बीच में जो भी स्पेस है वो ऑटोमेटिकली एक या दो स्पेस से कन्वर्ट कर देता है। बीच में आपको कहीं कहीं पे ज़्यादा जगह स्पेस ले लिया होगा, इसके कारण यहाँ पे अरेंज वो ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेता है, ठीक है। बीच में डाटा कैसा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपका डाटा समान रूप से देखने को मिलेगा। ये है जस्टिफाई। अब आप कुछ भी टाइप करते हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि हम यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दे दिए, ठीक है, वो अपने अनुसार वो क्या करेगा, डाटा को एडजस्ट कर लेगा। देखिए, कर लिया तो वो डाटा को ऑटोमेटिकली क्या करते जाएगा, अपने अनुसार एडजस्ट करते जाएगा। तो ये होता है जस्टिफाई, आपका दोनों साइड का डाटा, लेफ्ट और राइट साइड का डाटा इक्वल आएगा, समान रूप से आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया जस्टिफाई। अब चलते हैं आगे, इसमें है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि आप जो डाटा टाइप कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए अभी हम ये जो टाइप किए हैं, ये जो 10 लाइन का पैराग्राफ था, तो इसको ये जो एक दूसरे के बीच की जो दूरी है इसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप ये जो एक दूसरे के बीच की दूरी जो देख रहे हैं, ये इसकी दूरी ही बढ़ाता है। अभी हम इसे लाइन स्पेसिंग करके देखेंगे। तो इसे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो आप जैसे जैसे इस नंबर को सेलेक्ट करते जाएंगे, जैसे 1 पॉइंट हमने 5 सेलेक्ट किया, तो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि ये जो पैराग्राफ है इसकी दूरी बढ़ रही है धीरे धीरे। आप देखें तो अगर 2.0 मैंने किया तो यहाँ पे देखिए कुछ और बढ़ा है, 2.5 कुछ और बढ़ा, 3 करते हैं बढ़ा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसके अनुसार डाटा को अरेंज करके रख सकते हैं। फिलहाल ये भी अच्छा लग रहा है तो हम 1.5 ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप देख रहे होंगे ये डेटा जो बना हुआ है और ये डेटा जो बना हुआ है, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है, लाइन स्पेसिंग का। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे हम देखते हैं इसमें, ये रहा बुलेट। बुलेट का काम है आप जैसे कि कोई स्पेशल सिंबल डाल के कुछ लिखना चाहते हैं, लाइक जैसे कि होता है कोई नंबर देना चाहते हैं, तो नंबर देने के लिए भी यहाँ पे नंबरिंग है यहाँ पे, ठीक है। आप नंबर देके लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन कोई बुलेट साइन देते हैं, जैसे बुलेट साइन देने का अर्थ हुआ, जैसे कि आप लोग को मैं दिखाता हूँ बुलेट साइन का यूज कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे हम विकिपीडिया खोल लेते हैं, ठीक है, विकिपीडिया, और यहाँ पे कोई एक लिंक पे क्लिक करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहा होगा ये डॉट 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 करके, ये इसी को हम बुलेट कहते हैं, ठीक है। आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो इस यूज किया गया है वो एक बुलेट साइन ही है, ठीक है। आप लोग जहाँ देख रहे होंगे ये सारे बुलेट साइन है, ये सारे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये सारे बुलेट साइन है, ठीक है। और बुलेट साइन का भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को बता देंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो को देखते रहिए। तो अभी हम बुलेट को लिखना चाहते, बुलेट के साथ लिखना चाहते हैं कोई भी डेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बुलेट हैं, आप जिस बुलेट का यूज करना चाहें कर सकते हैं। और भी बुलेट्स हैं, अगर आप यहाँ पे डिफाइंड न्यू बुलेट्स पे चले जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद सिंबल में आपको चले जाना है। सिंबल में जाने के बाद आप यहाँ पे कोई सा भी किसी भी सिंबल को आप बुलेट बना सकते हैं, लाइक जैसे ये एक एरो है, ठीक है, हम इस एरो को हम अपना बुलेट बनाना चाहते हैं, तो हम इस एरो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद उसको बाद ओके करना है, ओके करने के बाद अगेन यहाँ पे ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे बुलेट साइन बनकर आ गया, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इंटर करते जाइएगा आपका नेक्स्ट बुलेट आता जाएगा। अगर इसी तरीके से आप कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, नंबर लेते हैं, तो जैसे आप नंबर में 1, 2 रखना चाहते हैं, या रोमन में रखना चाहते हैं, या फिर ABCD, या फिर स्मॉल में ABCD, जैसा भी आप चाहें रख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्मॉल में ABCD लिए हैं, तो हम यहाँ पे देखिए जैसे इंटर किए B आ गया, उसी तरीके से आप बहुत सारे अल्फाबेट यहाँ पे इंटर मारते मारते जाइए, लिख कर इंटर मारते जाइएगा, आपका नेक्स्ट अल्फाबेट आते जाएगा, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है बुलेट और नंबरिंग। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ये है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का काम क्या होता है, बेसिकली आप कोई नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। नोट्स बनाते वक्त जैसे हम चलिए आप लोग को दिखाते हैं, इसको पूरा डिलीट कर दिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और इसमें से कोई एक, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर भी बनाते हैं। तो हम फिलहाल क्वेश्चन ना बनाकर कोई नोट्स बना रहे हैं, सपोज दैट कोई नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई सभी एक हेडिंग का यूज कर सकते हैं, कोई सभी एक लिस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल करते हैं ABCD ना करके 1, 2, 3, 4 का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, चैप्टर वन में क्या आप टॉपिक डालना चाहते हैं। लाइक जैसे कि हम चैप्टर फर्स्ट में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये हेडिंग डाल दिए और उसके बाद एंटर कर दिए। अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन डाल देते हैं। चलिए मान के चलिए हम रॉयंड लिख देते हैं, ये उतना टाइप नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ का पांच लाइन कर देते हैं, ठीक है, एंटर। तो ये मान के चलिए कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं अपने फॉर्मेटिंग के अनुसार, ठीक है, इसको फॉर्मेट कर दिए, बड़ा कर दिए, इसका थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सेंटर जस्टिफाई कर देते हैं, इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, रेड है इसको हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया चैप्टर वन, और इसमें बहुत सारे आप ऐड कर सकते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल हमें आप लोग को बताना है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा होगा। तो ज़्यादा और लंबा ना करते हुए हम चैप्टर टू को दिखाते हैं। तो वापस से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो था ये था, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहा होगा चैप्टर वन यहाँ पे है, चैप्टर टू यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड आप जो भी है वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं व्हाट इज कीबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे देते हैं, एंटर करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इंट्रो डाल लेते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेम टू सेम कर देना है, तो आप लोग को बताए थे फॉर्मेट पे एंटर का यूज, तो आप लोग नहीं देखें तो वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना कुछ इसी को कॉपी कर लेते हैं, चलिए मान के चलिए इसको कॉपी कर लिए, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको सेम टू सेम बनाना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के यूज से बना लेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए व्हाट इज कीबोर्ड का इंट्रो है। अब इतना में समझिए कि चैप्टर वन और चैप्टर टू क्या कर, ये लिस्ट जो मल्टी लेवल लिस्ट है इसका काम क्या है। तो मल्टी लेवल लिस्ट ये होता है कि अभी देखिए बहुत सारे नोट्स आपने बनाया, ठीक है, चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो भी बनाया। अब ये सारे नोट्स ऊपर तो दिख रहे हैं, हम चाहते हैं ये नोट्स छुपा दें, तो आपको इस चैप्टर वन के बगल में एक लिस्ट खुलेगा, इस लिस्ट पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे चैप्टर वन छुप जाएगा। हालांकि इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा वापस आ जाएगा, लेकिन आपके साथ ये अभी फ़िलहाल नहीं रहेगा। आपका हेडिंग दिखेगा, आपने क्या क्या सा नोट्स बना लिया है वो वहाँ पर आपको दिखेगा, लेकिन आपका जो डाटा है उसके अंदर लिखा हुआ वो नहीं दिखेगा, वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर वन का यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, चैप्टर टू में व्हाट इज कीबोर्ड था उसे भी बंद करना आप बंद कर सकते हैं, बेसिकली बंद कर सकते हैं। आपका यहाँ पे हेडिंग दिखेगा, जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्लिक करेगा वो वापस आपका इंट्रो जो भी टाइप है डेटा वो पढ़ सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले ये है इंक्रीज इंडेंट। मतलब क्या होता है, आप जैसे कि कुछ लिख रहे हैं, इसको सपोज दैट हम भी ख़त्म कर देते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। इसके इंक्रीज ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है, ये डिक्रीज मतलब होता है घटना। अगर आप ये जो कर्सर देख रहे हैं, अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर दीजिए। देखिए ये कर्सर क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है। आप यहाँ पे आराम से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ ज़्यादा हो गया है, तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए भाग रहा है पीछे की ओर, ठीक है, ये आप अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। तो गाइस मानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इसमें एक दो टॉपिक और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेपरेटली इस वीडियो को बनाएंगे, इसका एक अलग पार्ट होगा, ठीक है। आपको ये शॉर्ट असेंडिंग दिख रहा होगा, ठीक है, ये शॉर्ट असेंडिंग दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये शेडिंग दिख रहा होगा,
ठीक है, ये शेडिंग है और ये एक टेबल है, तो बॉर्डर है, सॉरी बॉर्डर है, तो इसे भी हम बताएंगे, लेकिन इसे एक स्पेशल एक अलग पार्ट आएगा, उस वीडियो में मैं इस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। तो गैस ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें तो एक दो ऑप्शन तो आप लोग को सीखने को मिला ही होगा। अगर आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। फिलहाल ये जो दो तीन ऑप्शन बचा है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो अलग पार्ट में दूंगा, तब तक वीडियो को देखिए। और भी पुराने वीडियोज़ हैं वर्ड से रिलेटेड, डॉट से रिलेटेड, फॉक्स प्रो से रिलेटेड, जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पीछे अपलोडेड है, तो आप जाके इस वीडियो को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।